करेंगे इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर खेल जगत के गलियारों से आ रही है। एशियाड गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा। भारत को 8वां गोल्ड मेडल ये मिला है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और CWG में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया है। देवेंद्र कथूरिया पानीपत से इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, पानीपत के ही रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और अब निशाना गोल्ड पर लगाया है, परिवार में किस तरीके की खुशी की लहर देखने को मिल रही है पूरे पानीपत में? देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में ये कहूंगा, ये चमत्कारिक लड़का है। ये पहला गोल्ड मेडल नहीं है, इससे पहले कॉमनवेल्थ में भी और टूर्नामेंट से भी इसके परिवार वालों का कहना है कि करीब आधा दर्जन गोल्ड मेडल, इसको गोल्ड मेडल ज्यादा मिले हैं, रजत और कांस्य पदक कम मिले हैं। तो बहुत चमत्कारिक लड़का है और हमने अपने दर्शकों को बताया था पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गोल्ड मेडल लाया था जेवलिन थ्रो में, इसके जो कोच का कहना है कि पहले कुछ और बनना चाहता था, ये खेल नहीं खेलना चाहता था, लेकिन अपने इसके कोच ने इसको सलाह दी। चंडीगढ़ में DAV कॉलेज का स्टूडेंट है ये, कोच की सलाह पर इसने जेवलिन थ्रो में हाथ आजमाया, लेकिन उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। करीब आधा दर्जन गोल्ड मेडल अलग अलग टूर्नामेंट में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये लड़का जीत चुका है। परिवार में अब खुशियों का माहौल है, लोग बधाई देने आ रहे हैं। पानीपत का खंडरा गांव है जो इसराना ब्लॉक में, जहाँ से परिवहन मंत्री कृष्ण पवार चुनाव जीते हैं, वहाँ के विधायक हैं, उसी इसराना ब्लॉक का गाँव है खंडरा। पानीपत से करीब 15 किलोमीटर दूर गाँव है, लेकिन गाँव में अब जश्न का माहौल है, ग्रामीण बधाई देने आ रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहला गोल्ड नहीं, देश के लिए ये करीब आधा दर्जन गोल्ड मेडल जीत चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो लिहाजा पानीपत नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत खुश कर देने वाली खबर है। जी, चलिए देवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। हिमांशु नारंग इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। हिमांशु, एशियाड गेम्स में भारत का जो गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, 8वां गोल्ड भारत की झोली में आया है, पायदान पर कहां पहुंची टीम, भारत की टीम? जी बिल्कुल अनूप, भारत के जो खिलाड़ी हैं और खासकर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो एशियाड गेमों में लट गाड़े हुए हैं पूरी तरह से। ये जो मुकाबला था वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ भी था, इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता था। नीरज ने 88.06 मीटर दूर भाला फेंका और भारत के लिए सोना जीता, जबकि पाकिस्तान का खिलाड़ी महज 80.75 मीटर भाला फेंक पाया, तो वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत के लिए अच्छी खुशी है, नीरज के पास एक समय में जेवलिन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे, अपने ट्रेनर को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब वो एशियाड गेमों में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये बता दिया कि हरियाणा के खिलाड़ी किसी भी गेम में पीछे नहीं है, क्योंकि कुश्ती में हम लगातार मेडल जीत रहे हैं, उसके बाद जेवलिन थ्रो एक ऐसा गेम है जिसमें पहली बार एशियाड गेमों में भारत को गोल्ड मेडल मिला है, और उसी के साथ भारत इस समय 9वें पायदान पर है और भारत की जो झोली में 41 मेडल हैं, 8 गोल्ड मेडल हैं, 13 सिल्वर मेडल हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल है। आज और कल के अंदर पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो भी गोल्ड मेडल अगर जीत लेती हैं तो भारत 8वें पायदान पर आ जाएगा। फिलहाल 8वें पायदान पर थाईलैंड बना हुआ है। अनूप, चलिए शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए और देवेंद्र कथूरिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।